राम राम जी। गाड़ी है मारुति सुजुकी वैगनार, केसरी इंजन है। प्रॉब्लम इतना हार्ड है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम। क्या है? स्टार्टिंग प्रॉब्लम, स्टार्टिंग लेट। 5-6 महीने से गाड़ी के कस्टमर परेशान है, 5-6 महीने से। हमें भी सीरियसली लेके देखना पड़ेगा, देखते हैं एक एक चीज़ कि आखिर स्टार्टिंग लेट क्यों है, क्या कहानी है गाड़ी के साथ में। पूरा इंजन का कंडीशन दिखाओ ये, ठीक है? ये देखो, ठंडी गाड़ी है, बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट। गर्म गाड़ी होती है, स्टार्टिंग सेट हो जाता है, तो अभी फिलहाल गाड़ी गर्म है। अभी स्टार्टिंग थोड़ा इसको ठंडा होने देते हैं, जब ठंडा हो जाता है गाड़ी तब जो है जाके स्टार्टिंग का बहुत ज़्यादा डिले है भैया। अभी बहुत दूर से ग्राहक आए हैं, जम्मू कश्मीर। यार कितना चैलेंजिंग मामला है। इस गाड़ी का स्टार्टिंग लेट का भी एक समय सीमा है। जैसे गाड़ी अभी मैंने स्टार्ट करके लेके आए, चल के 20 मिनट भी खड़ी कर दिए ना, तो सेम प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। 20 मिनट की वैलिडिटी है कि 20 मिनट के बाद से प्रॉब्लम चालू, वही प्रॉब्लम। 20 मिनट से पहले स्टार्ट करेंगे तो हो सकता है कि स्टार्टिंग जल्दी से हो जाए, लेकिन 20 मिनट के बाद स्टार्ट करेंगे तो लंबा स्टार्टिंग, और इतना लंबा स्टार्टिंग है कि बैटरी और ख़राब हो गई है इनकी। मारते 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 5-6 महीने से तंग आ रहे हैं। बीस मिनट बाद ये है स्टार्टिंग लेट भाई। कोई भी काम करूं उससे पहले मैं चाह रहा हूं किसका एक बार स्कैनिंग करूं। स्कैनिंग ये रहा, लगा दिया है मैंने रीड फॉल्ट कोड, नो डीटीसी यानी नो डायग्नोस्टिक ट्रबल कोड, यानी कोई भी डीटीसी इसमें नहीं है, और फिर भी हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग लेट है। देखते हैं एक एक चीज़ चेक करेंगे। स्कैनर ये लगाया हुआ मैंने, ये कुछ इंजन का कंडीशन है भाई। बैटरी इसी के चक्कर में चेंज हुआ है, क्योंकि बैटरी सेल्फ मारते मारते ख़राब हो गया था। पहले इसका इग्निशन कॉइल चेक करते हैं कि क्या वो इंस्टेंट करेंट दे रहा है कि नहीं दे रहा है। चलो बस, यानी स्प्रे कर रहा है तीनों, क्या कहते हो? ठीक है, तीनों बढ़िया स्प्रे कर रहा है और इंस्टेंट कर रहा है स्प्रे। हमने तीनों इग्निशन कॉइल इंस्टेंट स्प्रे, ये करंट दे रहा है। इंजेक्टर चेक कर लिए, इंस्टेंट करंट दे रहा है। ए स्विच ऑफ करो। अब उसके बाद स्पार्क प्लग को खोलते हैं। ये स्पार्क प्लग एक नंबर का है, ये दो नंबर का है, ये तीन नंबर का है, यानी कि ये हमने स्पार्क प्लग खोल दिए हैं। एक बार हम कंप्रेशन टेस्ट करेंगे पहले, और कंप्रेशन टेस्ट के बाद से फिर एक बार नया प्लग डाल के देखेंगे। इसको कसता हूँ मैं पहले। अभी हम कंप्रेशन टेस्ट करेंगे, एक नंबर सिलेंडर में लगा दिए। चलो बस, दो नंबर लगाया है मैंने। चलो बस, ये 150। तीन नंबर का आप चेक करेंगे। चलो बस, यानी 10.5-11 बार तीनों का रह रहा है। एक बार हम इसकी टैपिट को चेक करते हैं। टैपिट कवर खोलो जरा। चलो बढ़िया जा रहा, बढ़िया जा रहा। चलो चलो, टैपिट उपिट सारे ओके हैं, ठीक है। टैपिट कवर लगाओ जरा बस। पेट्रोल ठीक है, इसका मतलब एक बार स्पार्क प्लग दोबारा से खोलो, नया डाल के देखते हैं। सबसे पहले
पहले इंजेक्टर किट डाल देते हैं, लीकेज है पहले ये डालो, उसके बाद स्पार्क प्लग खोल दिए। हाँ ये रहा स्पार्क प्लग, तीन स्पार्क प्लग न्यू लेके आए हैं, नया डाल के देखते हैं। गैप मेजर करना है, गैप ठीक है, आराम से बाहर रुक जाओ, बंद करो, 20 मिनट बाद देखते हैं। 20 मिनट से ज्यादा हो गया, स्टार्ट। अब तो स्टार्ट हो रही है, स्कैनर लगाओ, टेम्परेचर वो लगाओ, जरा टेम्परेचर देखो कितना है, क्योंकि अभी ठंडा स्टार्ट किया ना, अभी बिल्कुल ठंडा है, ठंडी गाड़ी स्टार्ट की है, अब इसको गर्म करके फिर देखेंगे कि क्या कहानी है। अभी 70 डिग्री हुआ है और इसको हीट करो पूरा। कोई चेक इंजन लाइट पहले भी नहीं आ रहा था, ना ही कुछ स्कैनर में पहले भी कोई फॉल्ट कोड आ रहा था, ठीक है। 71 हो गया, 92, गाड़ी को बंद करो, घड़ी का टाइम कितना हुआ, राइट 20 मिनट बाद देखते हैं। 20 मिनट हो गए, स्टार्ट। अरे सेल्फ क्यों छोड़ दिए, मारते ही रहना भाई, बस बस बंद करो, देख रहे हो ना ये कहानी है। ये स्टार्ट लंबा सेल्फ लेती है, पहली बार तो स्टार्ट ना हुई थी तो लंबा सेल्फ ले रही है, बहुत ज्यादा सेल्फ मारना जरा। बंद करो गाड़ी, बहुत लंबा सेल्फ लिया यार, दोबारा स्टार्ट करो, ऑन करो स्विच, करो स्टार्ट, अब तो जल्दी हो गया, बंद करो। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, कहानी कुछ समझ में आ रही है? अभी स्टार्टिंग लंबा हो गया, फिर से स्टार्टिंग होते 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 हो रही, मतलब हो तो रही है लेकिन होते 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 ऐसा लग रहा है जैसे कुछ कंप्रेशन का इशू है। और कंप्रेशन टेस्ट किया तो इतना ज़्यादा वीक नहीं था, हालांकि 12 के आसपास होना चाहिए, थोड़ा बहुत ही माइनर था। टैपिड गेज भी चेक किया, बिल्कुल प्रॉपर था, उसमें भी कोई परेशानी नहीं थी। नया स्पार्क प्लग लगा, इंस्टेंट हो गया, तो कुछ समझ में आ रहा कहानी। इसका हेड का वाल में मुझे लग रहा कि प्रॉब्लम है, और वाल का टैपिट बिल्कुल फ्री, खोल के देखते हैं कि यार क्या है। अब हेड फाइनल बच रहा है, फ्यूल आ ही रहा है, करंट आ ही रहा है, ऐसा तो कि नहीं ये डीले है, फ्यूल स्प्रे कर रहा है, इंजेक्टर तुरंत स्प्रे मार रहा है, इंस्टेंट उसका दिक्कत नहीं, करंट इंस्टेंट कर रहा है, दिक्कत नहीं उसका। जब इंजेक्टर तेल दे रहा है, स्पार्क प्लग करंट दे रहा है, तो हम किसी और चीज को कैसे डिनाई वो कर सकते हैं। क्रैंक सेंसर कैम सेंसर का फॉल्ट है नहीं, क्योंकि कोई स्कैनर में फॉल्ट कोड नहीं आ रहा है, पेचीदा मामला है। तो एक बार इसके हेड को मैं खोल के देखता हूँ क्या कहानी। हाँ वो रहा, तो टाइमिंग तो लमसम मतलब ठीक ही है, टाइमिंग तो टाइमिंग बिल्कुल 0-0 है, ठीक है, टाइमिंग चेक कर ली। अभी हेड खोल रहे हैं दोबारा से, ये है कुछ भैया अंदर का कंडीशन, ठीक है, इस पे ले आके रखो जरा, केम लगवा रहे हैं तब हेड उल्टा करके देखेंगे। 2500 का गेज है ये, तो अभी ये यानी कि ये भी नहीं जा रहा है। हेड की कंडीशन है भैया, ये स्पार्क प्लग की कंडीशन देखो, ठीक है, ये स्पार्क प्लग, तो इससे ये पता पड़ रहा है यार, हाँ ना में जवाब है, हाँ भी और ना भी। अभी साहब की यहाँ सरफेस को रखो जरा, बिल्कुल आराम से देखना, बहुत वजन है लेकिन, और पीछे करो जरा, और पीछे करो, बस ये अब नहीं जा रहा, नहीं ये क्योंकि यहाँ नहीं जाना चाहिए, यहाँ जा रहा मतलब फॉल्ट है कहीं ना कहीं। अब बिल्कुल सेट है, यानी फेस का भी फॉल्ट नहीं है, क्या समझे, ये कितना 1000 है, 2500 का है, देख रहे ना,
फेस का भी फॉल्ट इसमें नहीं है। हटाओ, हटा लो, इसको पैक कर दो उसी में, चलो। यानी फेस का फॉल्ट नहीं है। अब क्या करोगे, थोड़ा सा कूलेंट डालोगे क्या इधर उधर? थोड़ा कूलेंट डाल के देखते हैं। चलो 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 चलो, ये तीनों में डालो इसमें। ये किधर से लीक कर? नहीं नहीं, इधर से, इंजेक्टर वाले। अच्छा, इंजेक्टर वाले से, इंजेक्टर को बचा के। नमस्कार जी। नमस्कार जी, कैसे हैं सर? जी जी, आदेश। फ्लैश काम नहीं करता क्या? कूलेंट कूलेंट कूलेंट। और कितना मिनट हो गया? 10 मिनट से ज़्यादा हो गया, ठीक है? 10 मिनट से ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा आया है एक में भैया, ये फॉल्ट है, देखो एक में थोड़ा सा आया है, देख रहे हो ना? एक सिलेंडर में थोड़ा सा फॉल्टी है, ये देखो, देख रहे हो ना? हालांकि टेपिड फ्री था इसमें, फिर भी हेड में फॉल्टी। चलो बाकी इसको पलट के दूसरे तरफ देखो कि एग्जॉस्ट की क्या कहानी है। उधर पलटो, तसले में ले आ गए। बस इधर गाइड का भी व्यवस्था की प्रॉब्लम है इसमें। है गाइड का भी? अच्छा, गाइड का बाहर निकल रहा है क्या? वो लाया था। है बस इधर इतना बड़ा प्रॉब्लम, बिग फॉल्ट, बिग फॉल्ट, बिग फॉल्ट भैया। भैया फाइनली हमने पूरा इंजन उतरवा रहे हैं, हम इस असेंबली को कर रहे हैं, और कर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये प्रॉब्लम इतना इरिटेटिंग है लंबा साउंड का कि बैटरी तक भी चेंज हो चुका, समझ जाइए कितना सीरियस मामला है। और मैं भी नहीं चाहता हूं कि इस बार कहानी कुछ गड़बड़ हो, इसलिए मैं भी इसको जीरो जीरो कर रहा हूं, पूरा इंजन उतार रहे हैं। तीनों पे ही है। स्लीप की एक कंडीशन है, तो मुझे लग रहा मेन बिगेन और स्लीप ये डलवाने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा कमी नज़र आई है, बहुत ज़्यादा कमी तो नहीं है। भैया हमने स्लीप व्लिप डलवा दी, इंजन बांध दिए दोबारा से A to Z, हेड वेड करवा दिए, साफ सफाई देख सकते हैं, पूरा बांध रहे हैं, इधर चल रहा है बढ़िया से भैया, फिटिंग चल रही है पूरी, ठीक है जी, अभी कंप्लीट फिटिंग चल रही है, इधर से भी उधर से भी। भैया इतना फिटिंग हो गया, नाइट का सीन है, अभी पूरी फिटिंग कर दी गाड़ी की, अब देखते हैं फॉल्ट है कि नहीं है, यदि नहीं है तो कुछ और देखेंगे, ठीक है, यदि हो गया तो फिर बढ़िया ही है। चलो बंद करो, चलो बंद करो, अभी 20 मिनट के घड़ी के टाइम से रुको, अब स्टार्ट, अब हो गया, बंद करो, चलो देखो। अरे तेरी यार भाई, मजा आ गया, मजा आ गया जी, बंद करो जरा दोबारा से, करो। अरे वाह भाई वाह, घड़ी के टाइम दोबारा देखते हैं, 20 मिनट रुक जाओ, अभी बंद करो, 40 पे फिर दोबारा देखेंगे, बंद करो, ये 20 मिनट से ज़्यादा हो गया, चलो स्टार्ट। मज़ा आ गया यार, इसका मतलब क्या कहते हो, क्या कहते हो जी, मज़ा आ गया, अब कह सकते हैं बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। तो भाई इतना फ़र्क पड़ा है, देख लो इंजन के छोटे छोटे कुछ चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम था, और कस्टमर कितना परेशान हो रहे थे भाई। एक बार और चला के देखते हैं इसे, क्या कहते हो, घुमाओ जरा गाड़ी को, घुमाओ, चला के देखो जरा, ये बात है भैया, 5 महीने से कस्टमर परेशान थे, तो कम से कम गाड़ी भी तो बन के जानी चाहिए, जम्मू कश्मीर से कस्टमर आए, नहीं नहीं ये तो लेकिन जम्मू कश्मीर के ही है कस्टमर, फौजी हैं। अच्छा, हाँ लेकिन कस्टमर आएंगे अभी। दोबारा से चला के ले आके गाड़ी को बंद कर दिए, ठीक है,
देख सकते हैं, ठीक है। अब इसको 20 मिनट और देखते हैं, उसके बाद से फिर, ठीक है। और एक्सीलेटर वायर मैंने ऊपर अभी कर रखा, अभी इसको सेट साट करेंगे सारे, अभी ऐसे टेस्टिंग चल रही है इसलिए निकाल रखा। अब 20 मिनट बाद देखते हैं घड़ी के टाइम से, देख रहे हैं ना, 4:20 पे देखेंगे। ये देखो, देख रहे हो ना, मैंने गर्म है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ घड़ी का टाइम, देखो, ठीक है। अभी 2 मिनट हुआ है इसलिए मैं दिखा रहा हूँ पानी ले आके। अभी चल के आई है पूरी गाड़ी, अभी 4:20 पे देखेंगे ज़्यादा ज़्यादा। अरे खुल जाए टाइम, 4:20 पे देखेंगे। 4:20 हो गया भैया, चलो। अरे अरे तेरी यार, ये तो गाड़ी सेट हो गई यार, हैं। अरे मेहनत कर भाई, जब चेक इंजन लाइट नहीं आता ना तो परेशानी ऐसे ही होती है। पता नहीं क्या क्या फंडा किए इसमें, क्या क्या नहीं किए, बहुत लफड़े किए हमने इसके साथ में, कई दिन से लगे रहे। कस्टमर से यार रिव्यू लेना पड़ेगा यार, कस्टमर का रिव्यू अच्छा जाएगा इसको। अब 5 महीने से भाई थक रहे थे, टाइम देख देख के हम एक एक टाइम को देख देख के इस गाड़ी को चेक कर रहे हैं। चलो स्टार्ट करो जरा एक बार और, क्योंकि मैं भी नहीं चाहता हूँ धोखा हो। अरे बिल्कुल बहुत गम देनी हो रही है यार, क्या कहता है? बिल्कुल बढ़िया सेल्फ लिया और मजा आ गया। गाड़ी स्टार्ट है, पहले तैने देखा था गाड़ी? हाँ, पहले कई बार सेल्फ लंबा भी लेना पड़ता था। अच्छा, चेक किया था तैने यहाँ की? नहीं, इससे पहले भी आया था ना गाड़ी। हाँ, तब मैंने चेक, कभी भी यही सेम प्रॉब्लम था। हट इधर आ भैया, किलोमीटर भी देख लो कितना चलाया मैंने। अय है, छूते ही गाड़ी स्टार्ट हो रही है यार। हमें भी 2 दिन के करीब में लगी गया, 3-4 दिन हो गया है गाड़ी में। मजा आ गया, एसी बंद करके एक बार और देखते हैं। अरे तेरी यार, अब जाकर तसल्ली हुई है, रात को टेंशन भी हो जा रही थी इसको। हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट है। हाँ, हाफ सेल्फ में स्टार्ट है। चलो जी बढ़िया, आप कस्टमर को दिखाएंगे भैया। 4 घंटे 5 घंटे खूब चेक करो, तसल्ली कर लो तब बताना। 10 तारीख है आज, 4 तारीख को हमने लास्ट स्टार्ट किए थे, उसके बाद से इसको गाड़ी को रोक दिए थे। तारीख देख सकते हैं, अब 10 तारीख है, पहली बार स्टार्ट करने जा रहे हैं 6 दिन बाद। स्टार्ट देख रहे हैं ना पत्ते वत्ते कैसे, ये 6 दिन बाद स्टार्ट हुई है, क्विक स्टार्ट हो रही है। हाँ भाई, मीटर में लाइट वाइट? कोई लाइट नहीं, दिखा दो। एक सीट बेल्ट का, एक हैंड ब्रेक का, गाड़ी गाड़ी है ना। चलो ठीक है, गाड़ी डन कर दो इस गाड़ी को। और तारीख देख लो भैया, नीचे तारीख दिखा रहा है इसमें, देख रहे हो ना 10 तारीख है, वो 4 तारीख तक लास्ट स्टार्ट किए थे, बिल्कुल स्टार्टिंग ओके हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं इतने दिन खड़ी करके गाड़ी को दिखा रहा हूँ, ठीक है। आज कई दिनों बाद बोनट खोली है हमने, बारिश बहुत तगड़ी हो रही है, देखो मौसम भी चेंज हो गया सारा, देख रहे हैं ना बारिश। चलो ठीक है, गाड़ी बहुत बढ़िया हो गई, बंद करके स्टार्ट करना एक बार। अरे शाबाश, चलो बहुत बेहतरीन,